क्योंकि उनकी मंशा देखिए, वो काम कराना चाहते हैं, हम काम करना नहीं चाहते। जो काम करना चाहते हैं वो मेरे सामने है, उनकी लिस्ट में सामने बात भेजूंगा। देखिए साहब, ये लोग काम करना चाहते हैं, ये टीम है, ये वो मजबूत टीम है जो रियल में एक अपना शिक्षा जगत में या शिक्षा के प्रति अपने काम को या अपने व्यवहार को या बच्चों के प्रति अपने लगन को दिखा रहे हैं। और रियल में अगर पूछा जाए तो ये सच्चे सिपाही है। कल मेरी कम से कम आधा घंटा बात हुई थी, क्योंकि मेरी काफी प्रॉब्लम थी, मुझे सर ने बताई थी ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो उस पर मैंने उसको शेयर किया था साहब के साथ में, तो साहब ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, इस प्रकार से हैं, आपने मुझे उस दिन भी बोला तो कोई बात नहीं, दीजिए बस एग्जाम हो देने दीजिए, जून महीना कोई दूर नहीं है और गर्मी भी अच्छी रहती है, मजा ज्यादा आएगा, पसीना भी बहेगा ना, होना भी जरूरी है या नहीं है, या नहीं है। ये देखिए मेरे, मैं वापिस कर रहा हूँ, ये मेरी धमकी नहीं है, ये सच्चाई है। हम भी चाहते काम हो, आप भी चाहते हो काम हो, बच्चे भी चाहते हैं हमें कुछ मिले। एक दूर दराज के गांव में आप आए हैं, क्या उन बच्चों को एक नई चीज, आप जैसे मान लीजिए ताली बजाने नई चीज सिखाएंगे, उनके लिए नई हुई ना। ऐसे हमारे प्रदीप जी बहुत अच्छे अच्छे गीत करवाते हैं, अगर आपने एक दो गीत भी बच्चों को सिखाया तो देखना पूरे रास्ते पर वो गुनगुनाते हुए जाएंगे। अभी लास्ट ईयर मैंने रावतपेटा जो चित्तौड़ जिले में आता है वहां पे 500 बच्चों का शिविर किया था। एक्चुअली में उसमें क्या था, उस शिविर में सहयोग किया था रावतपेटा में जो एनसीपीएल है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने सहयोग किया था यूनिफॉर्म और खाने पीने का। बच्चे आए गांव से, हर गांव से 100-100 बच्चे थे अलग अलग स्कूलों के, और जब यूनिफॉर्म पहन के वो अपने गांव में जाते थे ना तो उनके माता पिता और लोग इतने खुश होते थे, कहते थे यार वाह ये तुम तो सिपाही बन गए हो, पुलिस बन गए हो, ये बन गए हो, उनको क्या नेता स्काउटिंग है क्या है। जब बच्चों ने 7-3 दिन 4-4 दिन के हमारे जो शिविर थे आवासीय शिविर थे उसमें बहुत कुछ सीखा, और जब अपने घर गए तो वो यूनिट आज भी बहुत अच्छी चल रही है, चाहे वहाँ टीचर हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बालक जो टोली नायक होता है हमारा वो अपने आप ही उसको कर रहा है। बस टीचर की जिम्मेदारी, ये मुख्य जिम्मेदारी होती है कि समय पे उनको कार्यक्रम मिले, समय पे उनको जानकारी मिले, क्योंकि राज्य नीचे से लेवल का राष्ट्रपति अवार्ड तक यहाँ पे जाया जाता है, तो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं, तो उनमें भी बच्चा कैसे जाए, उनको कोई तो मार्गदर्शन देगा जो आपके माध्यम से होना है। बहुत जने सोचते हैं ओहो एक तो नई घंटी हम क्या गले में क्या बांध ली, नई घंटी बांध ली, वो नहीं है स्काउटिंग। आप चिंता ना करें, आप आराम से करें, बस आप इतना सा ध्यान रखें कि राज्य मुख्यालय से कोई भी परिपत्र या कोई भी दिशा निर्देश जारी होते हैं बालकों तक पहुंचाएं और बालक को उस कैंप में या उस कार्यक्रम में भेजने का प्रयास करें। हम सिर्फ आपसे इतनी सी अपेक्षा रखते हैं। वैसे आप प्रति सप्ताह स्काउटिंग चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, महीने में एक बार चलेगी कोई बात नहीं, क्लासे लीजिए बच्चों की और अच्छा रहेगा, लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको जनरल नॉलेज होना जरूरी है स्काउटिंग का। स्काउटिंग है क्या, किस लिए, बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, इसके साथ में बच्चे तक आपका या हमारा मैसेज आपके माध्यम से पहुंच सकता है। देखिए बच्चे आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके विचार में आपके बच्चे नहीं होंगे तो आपकी वैल्यू क्या, ऐसे स्काउटिंग में अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमारी वैल्यू क्या है ना। अगर हम ये देखो तो एक सिक्के के बहुत दो पहलू हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपका सहयोग हमें जरूर चाहिए। इसी के साथ में आप मंच पर विराजमान से भी पदाधिकारियों का स्वागत भी कर दूँ, धन्यवाद भी कर दूँ कि आप सब पधारे। मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, विशेष तौर से मैं गोपाल जी के लिए कहना चाहूंगा, कल मैंने उनसे एक वादा किया था, वादा किया मेरी तरफ से भी इच्छा